जी तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई आज है 29 जनवरी, मेरी बर्थडे, और बर्थडे वाले दिन ही मैं जा रहा हूँ उबर करने। थोड़ी सी मतलब 10-11 डिलीवरीज करनी है प्रमोशन कंप्लीट करने के लिए, वो ही करनी है बस। और अभी मैं तो यार आज की वीडियो में उबर शुबर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो है कैन अ स्टूडेंट अर्न हिज। जी तो गाइज अभी लगता है अच्छा व्यू आ रहा है ना। अभी मैं रूम में हूँ और अभी ऐसे ही बनाया करेंगे वीडियो। सामने एसी चल रहा है, शायद उसकी हवा आए, लेकिन पता नहीं कैसी बनेगी। बनाता हूँ, थोड़ी सी लाइट तेज कर लेता हूँ। अच्छा तो हम बात करने वाले हैं कि क्या एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में रह के अपनी फ़ीस पूरी कर सकता है या नहीं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सारे कमेंट्स में जाकर बर्थडे विश करें। 29 जनवरी है और भाई का बर्थडे है, ठीक है। ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह पसंद नहीं है, है भी है नहीं भी है, लेकिन अभी इधर हूँ दिल नहीं करता, ठीक है। उधर पाकिस्तान में होंगे जब, उधर सबके फैमिली वगैरह साथ होंगी तो तब करेंगे। हाँ मेरी फैमिली ने पाकिस्तान में ज़रूर सेलिब्रेट की थी, मुझे ऑनलाइन दिखा दी थी, ठीक है। तो अच्छा अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो भाई इस वीडियो में मतलब मैं इतना बताऊँगा आप लोगों को कि लीगली आप काम करके कितना कमा सकते हो, ठीक है। बिकॉज जून के आखिर पर जुलाई में 20 आवर पर वीक वाली रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो तब स्टूडेंट कितने कमा सकता है। अच्छा तो सबसे पहले हम बात कर, अब मैंने बनाए हैं 2 पॉइंट्स। सबसे पहले उन लोगों के जिनके होते हैं सेमेस्टर्स, मतलब 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 मंथ्स के। 4 मंथ्स आपकी स्टडी होती है, 2 मंथ्स की आपको छुट्टी होती है, मतलब हॉलीडेज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट बनाएंगा वो मैंने बनाया ट्राइमेस्टर्स वालों का, मतलब 1 ईयर में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी 3 मंथ स्टडी, 1 मंथ हॉलीडेज, फिर 3 मंथ स्टडी, 1 मंथ हॉलीडेज, फिर 3 मंथ ऑलमोस्ट स्टडीज और 1 मंथ हॉलीडेज। वो 3 मंथ्स भी पूरे नहीं होते, 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और उसके अलावा 3 वीक्स होते हैं, मतलब 1 वीक भी मिल जाता है आपको तीसरे मंथ से, ठीक है। मतलब दोनों में आपको 4 मंथ्स की ऑलमोस्ट हॉलीडेज होती हैं, मतलब पूरे साल में, और स्टडी के ड्यूरिंग भी आपको बहुत सारे पब्लिक हॉलीडेज आ जाते हैं। अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर वालों की कि वो क्या अपनी फ़ीस वगैरह पूरी कर सकते हैं या नहीं। तो भाई देखें 4 मंथ्स के तो आपके पास हो गए सीधे सीधे हॉलीडेज, ठीक है। उनमें आप लोगों के लिए अनलिमिटेड काम होता है, आप जितना काम चाहे कर सकते हो। और 8 मंथ्स होते हैं आपके जो आपके पास स्टडी के साथ आपने करने होते हैं 20 आवर पर वीक। तो अगर आप 20 आवर काम कर रहे हो और आपकी सैलरी है $25, तो 25 को मल्टीप्लाई करें 20 से, आप $500 वीक का बनाते हो। और अगर यही लाइक आप मंथ का आपका 2000 बनता है और 4 मंथ्स का आपका बन जाता है ये 8000, मतलब 4 मंथ्स में आप 8000 बना सकते हो, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी के साथ लीगली, ठीक है। उसके अलावा कैश जॉब्स भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आपका अपना है, आपने करनी है करो, वो आप खुद देखो अपना, ठीक है। मैं लीगली बात कर रहा हूँ। और 8000 आपका हो गया 4 मंथ्स में। उसके बाद आते हैं जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेल हैं, लड़के हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे नहीं कह रहा हूँ, लड़के हैं, ठीक है। तो वो लोग तो मतलब उबर वगैरह कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया होगा कि उबर पे लोग 2000 पर वीक भी बनाते हैं, और बनता है भाई, ठीक है। जब सीज़न होता है तो आपका वीक का 2000 भी बनता है उबर पे फुल टाइम काम करके, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग जॉब करते हैं, वो भी अगर फुल टाइम करें तो दे कैन लाइक अगर आप 7 दिन यार काम कर रहे हो ना 8-8 घंटे, तो आपको 25 भी मिले ना, तो 56 आवर में अगर आपको 25 भी मिले तो फिर भी आपका 1400 बनता है। और 25 ये मैं 25 आपको बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों की 30 पे होती है आजकल, तो हर जगह पे ऑलमोस्ट मैकडोनल्ड वाले भी 30 देते हैं रात के, ठीक है। और जो वीकेंड होता है तो उस पर आपको ज़्यादा मिलती है, 34-35 तक होती है। मैं मेलबर्न में 38 पे सैटरडे को क्लीनिंग करता रहा हूँ, ठीक है, 4 घंटे की शिफ्ट, संडे को 45। तो मतलब काफ़ी जगह पे होती है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। कुछ मेल हैं वो ट्रक चलाते हैं, फीमेल ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स पे जॉब करती हैं, मैंने देखी हैं इधर, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर आप एवरी 1500 भी लगा लो ना, वो उन 2 मंथ्स में जिन मंथ्स में आपको होती है स्टडी नहीं होती, मतलब हॉलीडेज होते हैं, तो आपका मंथ का बनता है 6000। तो 6000 2 मंथ का हो गया आपका 12000, और बाकी 4 मंथ्स जो आपने स्टडी की है उसका हो गया आपका 8000। तो ये टोटल आपका बन गया 20000, ठीक है, 20000। तो 20000 में से आपका अगर पर वीक आप रेंट निकालो अपना, पर वीक ऑलमोस्ट 180-170 लगा लो, आपका मंथ का 800 लगा लो बिल्स इंक्लूड करके, रेंट और बिल का 4800 आपका बन गया 6 मंथ्स का, और बाकी फिर आपके पास ऑलमोस्ट 15000 होता है अगर आप लीगली काम करो, ठीक है। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ 20 आवर पर फोर्टनाइट वाली रिस्ट्रिक्शंस के साथ,
तो फिर भी आपके पास 6 मंथ में 15,000 आप लोग सेव कर सकते हैं मेहनत करके, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई बातों में हो जाता है, तो बड़ा आसान है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप 15,000 सेव कर रहे हैं, लाइक आपका निकल रहा, सेव तो नहीं होगा बिकॉज आपके खर्चे भी, आपने रहना भी है, पहनना भी है कुछ, और फीसिस भी देनी है। तो अगर लाइक आपकी यूनिवर्सिटी है 10,000 तक 12,000 तक आप लोग फीस अपनी एडजस्ट कर सकते हैं तंग हाथ रख के, ठीक है। और यही आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी लगा लें, ठीक है। तो मतलब इतने आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको एस्टिमेट दे दिया। अभी आप अपने इसमें से खर्चे वगैरह खुद ही निकाल लें कि मेरा इतना ये भी होगा, ग्रोसरीज का होगा और मेरे पहनने का होगा, बाकी जो भी आइटम्स आप खाना पीना करते हैं और कहीं जाना होता है आपने, कभी बीमार हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद इंक्लूड करनी है। मैंने आपको एक एस्टिमेट बता दिया है कि निकलती है फीस। अभी तो ऑलमोस्ट आप हिसाब लगा लें कि जून तक तो वैसे ही अनलिमिटेड काम है और स्टूडेंट्स तो बना रहे हैं भाई, ठीक है, पैसे बन रहे हैं, सबके फीसिस भी निकल रही हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं ट्राइमेस्टर वालों की, कि जो लोग ट्राइमेस्टर होता है जिनका, उनके क्या बनता है। हाँ, तो उसका 6,000 हो गया उनका 3 मंथ्स का, मतलब अगर आप 20 आवर काम करके 500 बनाते हैं वीक में ड्यूरिंग स्टडीज ट्राइमेस्टर वाले, ठीक है। 3 मंथ का आता है ट्राइमेस्टर, तो आपने बना लिए उसमें 6,000, ठीक है। और 1 मंथ आपको होती है छुट्टी, उसमें अगर आप पर वीक 1,500 लगाएं तो 6 उसमें बन गया, तो ये आपका हो गया 4 मंथ्स में टोटल 12,000, ठीक है। तो उसमें से अभी आपकी ट्राइमेस्टर फीस कितनी होगी, अगर आपकी साल की फीस 20,000 है तो, या 24,000 लगा लें, तो ट्राइमेस्टर का होता है 8,000। तो 8,000 अगर आप 12 में से दे देंगे, बाकी आप अपने खर्चे वगैरह कवर कर सकते हैं। ये बहुत तंग आद रख के, ठीक है, तो इस तरह है। और आप लोगों ने ये होगी यार फीस की सारी बात, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट इधर, अगर 100 में से कोई 1-2 आपने देखे होंगे जो अपनी फीस वगैरह नहीं पे कर सकते, बाकी हर बंदा इधर अपनी फीस पे कर देता है भाई, ठीक है। अभी आप कहोगे कि भाई वो उसको मैंने देखा था वो नहीं करता, तो भाई वो काम नहीं करता होगा इसलिए नहीं उसने किया। आपने बहुत कम देखा होगा ना कि इधर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने फीस अपनी पे नहीं कर सके, या हमें ये आ गया वो आ गया। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको काम करने की आदत नहीं होती इतनी, तो वो पीछे से मंगवा लेते हैं, जिनको नई प्रॉब्लम पैसों का, वो पीछे मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं। बाकी हम मेरे जैसे लोग जो मिडिल क्लास हैं, उनको भाई काम करके अपनी फ़ी पे करनी पड़ती है, और इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अपने खर्चे वगैरह इधर कवर करता हूँ, अपनी फ़ीस वगैरह खुद ही पे करता हूँ, और मैंने कभी अपने माँ बाप को तंग नहीं किया कि मुझे पैसे भेजें, खुद ही अपना सारा कुछ करता हूँ इधर, ठीक है। और ये यार सारी फ़ीस की मैंने आपको बात बताई है कि लीगली आप लोग रह के कितने कमा सकते हैं और कितना पैसा आपका बन सकता है, बाकी आपकी जो मिनिमम पे आपको मिल रही है ऊपर नीचे करके सारा कुछ, वो आपने खुद ही उसको कवर करना है, ठीक है। पहले मैं गया हुआ था उबर करने, 3-4 घंटे की है सिर्फ आज। आप कहेंगे बर्थडे के दिन उबर, भाई तो इधर बर्थडे वगैरह कुछ नहीं होती, इधर काम करना होता है, ठीक है। बर्थडे अपनी कंट्री में हो गया, आप अपने घर हो गए अपनी फैमिली के साथ, और 3-4 घंटे उबर की है मैंने। उसके बाद अभी मैं घर आया हूँ, अभी टाइम हो गया 10:32, ठीक है। तो मैं बस सोने लगा हूँ, मेरी सुबह 6 बजे जॉब है, तो मुझे 5:30 उठना पड़ता है। और अभी क्या उसका नाम है यार, मेरी गाड़ी का स्टैंड टूट गया था, मेरे से वीडियो नहीं बनी। और हाँ, लास्ट वीक मैंने 3-4 वीडियोस लगाई, कहा था अब रेगुलर आएंगी। इस वीक मैं थकता था और काम थोड़ा ज़्यादा था हमारा, तो मेरे से वीडियोज़ नहीं बन सकी, लेकिन अभी फिर मैं ट्राई करूँगा कि डेली वीडियो स्टार्ट करूँ। मेरा थोड़ा सा ना ये 1-2 मंथ्स गुजर लेने दें, ठीक है, मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म हो, उसके बाद मैंने सोचा मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, कम से कम 30 days 30 vlogs वाला चैलेंज एक पूरा करूँगा, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, जितनी आप शेयर करेंगे वीडियो उतने ज़्यादा लोगों तक जाएगी, उतनी रीच बढ़ेगी चैनल की, ठीक है, तो कर दिया करें। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर फॉलो करें। मैं मिलूंगा आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।